बहुत ज्यादा है, मतलब ठंड ने तो एकदम हवा टाइट कर रखी है, कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। मतलब जितने मर्जी तुम स्वेटर डाल लो, फिर भी आराम तो सिर्फ रजाई में बैठकर ही मिलता है, और ऐसे मौसम में पढ़े कैसे। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है कि पढ़ना भी है लेकिन ठंड इतनी ज्यादा लगती है, और अगर रजाई में बैठते हैं तो फिर धीरे धीरे फिरकते फिरकते अंदर नींद आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे ठंड से लड़कर अपना कैसे टाइम टेबल शेड्यूल करें और कैसे अपने पूरे एफर्ट्स लगा के पढ़ा जाए। तो पहले बात करते हैं कि आपको कहाँ पर बैठ के पढ़ना है। तो देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको पढ़ना है आपको टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो आपकी कंसंट्रेशन, आपका बॉडी पोस्चर सब कुछ सही रहता है और आपको नींद नहीं आती। लेकिन आजकल ठंड बहुत है, बाहर हमसे निकला नहीं जाता, और इतनी ठंड में मतलब टेबल चेयर पर बैठना तो मतलब सोचना ही एक वो अलग ही लेवल है ना कि हम कैसे बैठेंगे, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है या हिली एरियाज है वहां पर नहीं आप बैठ सकते। तो वहां पे मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप कंबल में बैठ के पढ़ो, क्योंकि एक बार अगर आप जिद करके बाहर बैठ भी गए ना तो आपकी जो सारी एनर्जी है वो ठंड से लड़ने में ही चली जाएगी। तो आप पढ़ोगे खाक, क्योंकि सारी एनर्जी तो आपकी वहीं चली जाएगी ठंड में, ऐसे ठुट ठुट करते रहोगे फिर नहीं पढ़ पाओगे। और अगर बाय चांस आप बीमार होगे, फिर सिर दर्द होगा, कोल्ड हो जाएगा, आंखों में से पानी निकलेगा, नाक बंद हो जाएगा, तो कितनी सारी मुसीबतें आ जाएंगी। उन सब चीजों से हमने दूर रहना है, तो बेटर है जिद नहीं करनी, कंबल में बैठ के रजाई में बैठ के पढ़ो। ओके, तब ये तो होगी पहली बात, ठीक है हम रजाई में बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि हमें नींद आ जाती है, क्योंकि हम बैठते गलत तरीके से हैं। हम ऐसे जाएंगे बेड पर, पीछे आराम से बैठ जाएंगे, फिर धीरे 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 अंदर बेड में खिसक जाएंगे और सो जाएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं करना। अगर आपको बेड पे भी बैठना है तो आपका बॉडी पोस्चर एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बैक है, जो आपकी बैक बोन है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी बैक बोन थोड़ी लूज हुई ना और आप धीरे धीरे सो जाओगे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप बेड के लिए आप स्टडी टेबल लेकर आ सकते हो, जो सिर्फ बेड पे बैठ के ही पढ़ा जाता है। उसके लिए स्पेशल स्टडी टेबल होता है, छोटा वाला होता है, उसको आप खोलकर बेड पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेटर आइडिया है, उससे क्या होगा आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आप जब वहां पे पढ़ोगे भी आपका पूरा बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी, और आप प्रॉपर टेबल चेयर वाली फील के साथ बेड में बैठकर भी पढ़ पाओगे। फिर आता है उसके बाद, ठीक है, आप तो हमारी नींद भी चलेगी, हमें जगह भी मिल गई। अब पढ़ने की बात करते हैं कि हम पढ़े कैसे, ये सब चीजें होगी आपकी। अब आता है कि अगर फिर भी अगर आपको नींद आ जाती है तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, आपको चाय, सूप, कॉफी कुछ भी आपको गरम गरम लेते रहना है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होती है। काफी सारी एनर्जी आपकी स्टडी में जाएगी, उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो फिर ठंड से लड़ने में, अपने आपको बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखने में जाएगी। तो बेटर है आप हर एक घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद आप सूप, चाय, कॉफी कुछ ना कुछ लेते रहना गरम गरम। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गर्माइश रहेगी, या फिर आप गरम पानी भी ले सकते हो। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो हमेशा अपने पास पानी जरूर रखा करो, ठीक है। जब आप पानी नहीं पीते ना, फिर आपकी बॉडी अंदर से ड्राई होने लग पड़ती है, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, फिर आपके दिमाग का ना सेचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, फिर आपको लगता है कि अभी आप पढ़ा नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप पानी नहीं पीते, अंदर से बॉडी आपकी जो है डिहाइड्रेट होने लग पड़ती है। तो पानी हमेशा पिया करो। और अगर आप सर्दियों में पूछो कि कौन सा बेस्ट टाइम है पढ़ने का, तो मेरे को लगता है कि सर्दियों में अगर आप रात को बैठ के पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि 95 या फिर कहूं मैं 97% लोग जो है सर्दियों में सुबह नहीं उठ पाते, क्योंकि नहीं होती हिम्मत, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो बेटर है सर्दियों में आप रात को पढ़ना प्रेफर करो, क्योंकि जब गर्मियां होती है तो सुबह उठना बेटर रहता है। तो लेट नाइट आप स्टडी रूटीन शुरू कर सकते हो, आप 9 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है, 9 बजे से लेके आप 5 बजे तक पढ़ो, बेटर है, उसके बाद सो जाओ सुबह, ठीक है। और वैसे भी जब ये वाला जो टाइम होता है ना, एकदम शांति का टाइम है, कोई नहीं है, कोई आपके पास आपके भाई बहन नहीं, कोई शोर करने वाला नहीं है, कोई टीवी नहीं चल रहा है, एकदम शांति है। तो वही जो सुबह वाला टाइमिंग वाला मौसम होता है ना, जो अर्ली मॉर्निंग वाला एक फील आती है पढ़ने वाली, तो वही फील आपको रात को भी आ जाएगी, अगर आप अपने आप को जस्ट वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखो, ठीक है। तो अब पढ़ना कैसे है, आपको सिटिंग्स में पढ़ना है, एक बार में नहीं बैठ के पढ़ना फिर कि हम सीधा अभी बैठे हैं तो अभी सिर्फ 7 घंटे बाद ही उठेंगे, नहीं, आप 2-2 घंटे की फिटिंग्स लगाओ, 3-4 फिटिंग्स लगाओ, आप बहुत आराम से 7 घंटे पढ़ लोगे। अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो तो 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फिर से
एक घंटा ब्रेक ले लो, अगर आपको सोना है तो सो जाओ, थोड़ी सी नींद ले लो। मैं यूजली क्या करती थी, अगर मैं रात को पढ़ने बैठती थी तो मेरा हमेशा यही होता था कि मैं 9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बीच में मैं ब्रेक्स लेती रहती थी, जैसे कि 2 घंटे पढ़ा तो 10-15 मिनट की ब्रेक ले ली, थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया, टहल लिया, कमरे में वॉक कर लिया, पानी पी लिया, थोड़ा खा पी लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं 1 घंटा सो जाती थी। मतलब मुझे 1 बजे के आसपास तो मुझे नींद आती ही थी, 1 बजे से लेके मैंने फिर 2 बजे तक या 2:15 बजे तक, जब तक मेरे को नींद आती थी, 1 1 आवर 1.5 आवर मुझे नींद आती थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ती थी और 5:30 के आसपास सो जाती थी। तो ये मेरा शेड्यूल था, आपको जैसा सही लगे आप वैसा बना सकते हो, बट एक जो आप वो तरीका समझ रहे हो, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आपको 2-3 घंटे इकट्ठे बैठना है और उस 2 घंटे में सिर्फ आपको अपना जो माइंड है ना, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। उस टाइम में आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये शुरू करूं कि ये शुरू करूं, ये नहीं मन कर रहा, अच्छा इसको बंद कर देता हूँ, इसको शुरू करता हूँ। नहीं, उस समय आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इसके ये सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अच्छा अब ये सब्जेक्ट पढ़ के माइंड बोर हो रहा है, माइंड का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो अब शिफ्ट करते हैं, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं, थोड़े एक वैरायटी दो अपने दिमाग को। ये एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी, इसके कारण जो आपका दिमाग है ना वो बोर हो जाता है, उसको नींद आने लग पड़ती है, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हो। अपने माइंड को थोड़ी सी वैरायटी दो, उसको कहो कि ठीक है अब एक सब्जेक्ट पढ़ो, थोड़ा सा फिर शिफ्ट हो जाओ। ओके, तो ये था नाइट का जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो अब वापिस आते हैं कि अपने आपको कैसे, आपको रात को पढ़ने बैठोगे तो भूख भी लगेगी, तो भूख के लिए बेटर है आप जो मैगी की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाओ, जो कि ज्यादातर लोग जाते हैं, उनको होता है कि चलो रात को भूख लगी तो मैगी बना के खाते हैं। तो देखो मैगी तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, मैदा होता है तो ना ही खाओ, बेटर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने पास बिस्किट्स रख सकते हो, ठीक है। आप रात को चाय बना लो अपने लिए, इससे क्या होगा आप चाय बनाने भी जाओगे, आपकी नींद भी खुल जाएगी, तो आप खुद जाओगे चाय बनाकर लाओगे, जब तक आप चाय बनाते हो तो आपको 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं, उसमें आपकी नींद भी खुल जाएगी, और चाय गर्म होती है वैसे ही आपकी नींद खुल जाएगी। चाय पी लो, कॉफी पी लो, साथ में बिस्किट्स खा लेना, थोड़ा सा नमकीन खा लेना, या फिर आप मट्ठी भी ले सकते हो चार के साथ, मतलब जो भी आपको छोटी मोटी चीजें जो ऑलरेडी बनी हुई है ना उन्हीं को खाना। अपने लिए जब भी आप रात को पढ़ने बैठते हो ना, हमेशा अपने लिए एक डब्बा तैयार रखा करो जिसमें आपके लिए रेडी टू ईट चीजें रहें, ठीक है, कि बस थोड़ा सा खोला खा लिया। तो इससे क्या होता है आपका एक तो टाइम भी बचता है, और जब आप मैगी वगैरह के चक्कर में पड़ते हो ना फिर आप भटक जाते हो, आपका जो मेन फोकस होता है वो भटक जाता है, तो बेटर है उस पे मत जाओ, जल्दी से निकालो, जल्दी से खाओ, वापिस अपने काम पर लग जाओ। ओके, और अगर थक जाओ तो ब्रेक्स ले लेना, और अगर बीच में थक जाओ तो ब्रेक्स ले लेना। ब्रेक लेनी है तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लेना, इधर उधर थोड़ा सा घूम फिर लेना, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग कर लेना, बॉडी में ब्रीदिंग कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, जो माइंड है आपका वो खुल जाएगा। बस मोबाइल की तरफ मत जाना, या फिर डिजिटल कुछ भी डिजिटल चीज की तरफ मत जाना, उससे क्या होगा ना, एक बार आप उधर चले गए तो वो 5 मिनट से 15 मिनट खींचे खींचे कब आधा घंटा बन जाता है वो पता नहीं लगता। तो डिजिटल को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी और ड्रेन होगी, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, वो चीजें आपको माइंड में रिटेन करने के बजाय अगर आप वापस कुछ देखोगे वो चीजें और आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएंगी। अगर आपको उस चीजों को माइंड में रिटेन करना है तो बेटर है आप 10-15 मिनट लेट जाओ आंखें बंद करके, ठीक है, या फिर आपको जो मैंने अभी बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्लीज टीवी की तरफ या फिर YouTube दिस सब इन सब चीजों की तरफ जब आप पढ़ने के जोन में होते हो ना उस समय, तब उन चीजों की तरफ मत जाया करो। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करती थी, एंड आई होप कि ये चीजें आपको भी हेल्प करे आपके लेट नाइट स्टडीज के लिए और आपको ठंड से बचाए रखे। एंड थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।